खबर ग्वालियर से है, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ करणी सेना की तरफ से किए गए अपशब्दों का मामला तूल पकड़ने लगा है। अपशब्द वाले मामले को लेकर अब भारतीय किरार और ओबीसी महासभा ने एसपी ऑफिस तक प्रदर्शन रैली निकालकर एसपी ऑफिस पर करणी सेना के आरोपी पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मामले को किरार ओबीसी महासभा का कहना है कि अपशब्दों का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ग्वालियर एसपी अमित सांघी का कहना कि वीडियो उनके भी संज्ञान में आए हैं और वीडियो में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वे वाकई आपत्तिजनक है, इसलिए पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भद्दी भद्दी गालियों का जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर समस्त किरार समाज प्लस ओबीसी वर्ग सारी एससी एसटी सब लोग एकत्र होकर आज ग्वालियर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो 5 दिन बाद यहाँ सभी लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। ये ज्ञापन किरार समाज के लोगों द्वारा दिया गया है और उसमें अन्य समुदाय के लोग भी थे और एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर समाज द्वारा काफ़ी गाली गलौज की जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। इस पर जो ये ज्ञापन लेके अपराध शाखा में दिया गया है और उस पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।